बहुत कम लोग जानते हैं 5 रुपए के इन सिक्कों के बारे में। ये सर्कुलेशन के 5 रुपए के सिक्के हैं और इन सिक्कों को आप लोग बेचकर एक अच्छी खासी इनकम पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के लिए आपको इन सिक्कों की सही जानकारी बहुत जरूरी है। मैं आज आपको 5 रुपए के 5 सिक्कों के बारे में बताऊंगा जिनकी वैल्यू 1,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक है। एक सिक्का आपको 25,000 भी दे सकता है और एक सिक्का आपको 1,000 भी दे सकता है, लेकिन कौन सा सिक्का दे सकता है, ये सभी सिक्के एक रेट के नहीं है, सबकी अलग अलग वैल्यूशन है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देख के समझना होगा कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सा सिक्का कॉमन है। और अगर आप लोगों के पास में पुराने सिक्के पड़े हैं तो स्पेशली आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है। हो सकता है ऐसा पुराना सिक्का आपके पास भी हो जिसकी कीमत 25,000 रुपए तक जाती है। तो अगर आप लोगों के पास में 5 रुपए के ऐसे सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं इन सभी सिक्कों की कीमत बताऊंगा आपको, कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यूएशन देगा। लेकिन आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, उससे दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आप इस सिक्के को बेचने के बारे में मत सोचना, आप ओनली इस सिक्के को ढूंढ लो। ये सिक्का आपको एक सिक्के के बदले में 1 महीने की सैलरी दिला सकता है, इतना महंगा है। सोचने वाली बात है कि 5 रुपए का सिक्का जो सर्कुलेशन में मिल जाता है और उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिक्के को ध्यान से देख लो, 5 रुपए का सिक्का 2007 में इश्यू किया गया था। ध्यान से देखना इस सिक्के को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सिक्का इतना महंगा है, कॉपर निकल धातु का सिक्का होना चाहिए आपका, कॉपर निकल का 9 ग्राम वजन का सिक्का, ये बहुत महंगा बिकता है। इस एक सिक्के की वैल्यू आपको 20,000 से लेकर 25,000 तक मिल सकती है। 5 सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं, पांचों ही सिक्के सर्कुलेशन में मिल सकते हैं। ऐसे सिक्के जब भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो तब आपको ऐसा सिक्का मिल सकता है, शॉप पे भी आपको ऐसा सिक्का मिल सकता है, मार्केटिंग करने के टाइम पे कभी भी ऐसा 5 रुपए का सिक्का आपके हाथ में आ सकता है। तो जान लेते हैं उन 4 सिक्कों के बारे में भी, वो कितनी वैल्यू आपको दे सकते हैं। अब आप जो स्क्रीन पे सिक्का देख रहे हैं, इसको देखकर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, यार ये सिक्का तो मेरे पास था, लेकिन था लेकिन अब नहीं है, और उस दिन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये सिक्का भी एक रेयर सिक्का है, कोलकाता की मिंट से जारी किया गया सिक्का। इसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है और आपको इसमें मिंट मार्क देखना भी नहीं है। ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जन्म सती पे ये सिक्का जारी किया गया था, 125वीं जन्म सती पे। तो ये जो सिक्का है ये रेयर सिक्का है, और आज के टाइम इस सिक्के की वैल्यू 1,000 रुपये आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकती है। ये मैं आपको इस्टिमेट प्राइस दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आपको इस सिक्के की वैल्यू मिल सकती है। बहुत सारे लोग को ऐसे लग रहा होगा कि ये सिक्का मेरे पास था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उस दिन आपको नॉलेज नहीं था। तो चलो जानते हैं नेक्स्ट सिक्के के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना और अंत तक देखना, मैं सभी सिक्कों की सही कीमत बता रहा हूँ, ऐसे सिक्के आपको कभी भी मिल सकते हैं। ये सिक्का है कू कामराज का, 1975 में जारी किया गया मुंबई मिंट का सिक्का है। इसमें दूसरी मिंट से भी सिक्का जारी किया जाता है, लेकिन वो उतना रेयर नहीं है जितना मुंबई मिंट का सिक्का रेयर है। एक्चुअली में दोनों ही सिक्के आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मुंबई मिंट का सिक्का मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो इसके लिए कि अगर आपके पास में कू कामराज का मुंबई मिंट का, जिसमें डायमंड का मिंट मार्क बना होता है 1975 के नीचे, तो वो रेयर सिक्का होता है। मुंबई मिंट का ये सिक्का आज के टाइम पर 1,000 रुपये की वैल्यूशन रखता है यूएनसी कंडीशन में। अब यूएनसी कंडीशन का मान लेते हैं कि सर्कुलेशन में नहीं मिलता, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का सिक्का तो सर्कुलेशन में मिल ही जाता है ना। तो जब भी आपके हाथ में 5 रुपए का ऐसा कोई कू कामराज का सिक्का हाथ में आए, तो उसको 5 रुपए का सिक्का समझ के नहीं, 1,000 रुपए का सिक्का समझ के जेब में डालना है। अगले 5 रुपए का जो सिक्का दिखा रहा हूं उसके बारे में आप लोग जानते हैं, 2004 का हैदराबाद मिंट का 5 रुपए का सिक्का है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि ये वो सिक्के हैं जो आप सर्कुलेशन से उठा सकते हैं और एक अच्छी खासी इनसे अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली फ्रेंड सभी लोग के साथ में शेयर करना चाहिए। जितने सिक्के बताएं सभी के सभी सिक्के रेयर हैं। अगर आप लोगों के पास में इनमें से कोई भी सिक्का है तो नीचे कॉमेंट करो और अपने सिक्के सेल करो,
आपसे हम लोग ये सिक्के खरीदेंगे। तो ये जो सिक्का देख रहे हैं 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, स्टार मिंट मार्क का। ये सिक्का भी आज के टाइम पर 1500 रुपये तक की वैल्यूशन रखता है, स्टार बना हुआ होना चाहिए 2004 के नीचे। तो इस वीडियो में आपको जितने सिक्के देखने को मिले हैं सभी के सभी सिक्के रेयर हैं। बस आपको इन सिक्कों को कहीं से भी कलेक्ट करना है और नीचे कमेंट करना है। दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए आपको कोई भी चैनल पर जाकर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ऐसी कोई जानकारी आपको कोई भी चैनल वाला देगा। तो हमने आपको शॉर्ट में इतने सिक्कों के बारे में समझाया, आपसे हम कुछ मांगेंगे नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, और ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करना। और आपके पास कोई भी ऐसे सिक्के होते हैं तो आप हमें नीचे कॉमेंट करना, और हमें ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर से हैं, कौन सा स्टेट आपका, वो भी नीचे लिख देना।